नमस्कार, जय बिहार। मेरा चैनल है ट्रैवल विथ अरविंद। दोस्तों, ये मैंने अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया है, जिसके लिए मैंने आज अमेज़ॉन से एक नया कैमरा मंगाया हूँ। ये कैमरा है कैसन CN100 प्रोफेशनल 4K, जिसमें 24 मेगापिक्सल का है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी जस्ट पार्सल रिसीव किया है, तो पहले इसको सैनिटाइज करता हूँ। कोरोना के समय हर एक सामान को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे से एक तरफ सैनिटाइज हो गया। ऐसा है कि मैं चाहता था कि मोबाइल से ही ब्लॉगिंग शुरू करूं, लेकिन मोबाइल से मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल कैमरा एज ए बिगनर मैं एक प्रोफेशनल कैमरा मंगाया हूं। ये पहले खोल के दिखाता हूं आपको कैमरा कैसा है, फिर उसके बाद में प्राइस बताऊंगा। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं, जहाँ से आप ये ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। अमेज़ॉन का सबसे ख़ास बात है कि इन्होंने पैकिंग इतना शानदार बनाया है कि प्रोडक्ट कभी भी डैमेज नहीं हो सकता है। आप कोई भी चीज़ मंगाएं अमेज़ॉन से तो देखेंगे इनकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये मैंने ऊपर का कवर हटा दिया है। इसके अंदर से ये बॉक्स निकला है, ये देख सकते हैं स्लिप है। ये प्राइस वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, कैमरा का नाम है कैसन CN10। ये बिगनर्स के लिए प्रोफेशनल कैमरा है। तो आइए देखते हैं इस पूरे कम्बो में क्या क्या मुझे मिला है। ये देखिए, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या है इस बॉक्स में। ये देखिए, ये माइक है, एक्सटर्नल माइक जो दिया गया है, जिससे साउंड क्लैरिटी अच्छे से आए। पहले एसेसरीज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये दिया है, ये क्लिप दिया है शायद कैमरा का। जब मैं यूज करूँगा तो दिखाऊंगा सबका क्या क्या यूज है। ऐसे काउंट करता हूँ क्या क्या दिया है इसमें। ये माउंट करने के लिए है, शायद हेलमेट के ऊपर माउंट करने के लिए। ये भी एक क्लिप है, ये भी लगता है इसको इसमें डाल के ये माउंट, इसकी हाइट बढ़ानी हो तो ये बढ़ा सकते हैं। और ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है मुझे कैमरा का बैक साइड, या बैक साइड ही कवर करने के, या सही है बैक साइड का ये कवर है, वाटरप्रूफ कवर ये इसके लिए दिया है। साथ में दिया है ये माउंट का है, ये माउंट के लिए मुझे लगता है ये इधर माउंट के लिए है। ये बैटरी है, आप देख सकते हैं, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, 1050 mAh है, 1050 mAh। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसा आप देख सकते हैं,
हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक इंडिया में ये चीज़ नहीं। ये सारा देख रहे हैं आप, मेड इन चाइना है। ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये आप शायद देख पा रहे होंगे, मेड इन चाइना। मैं बता रहा था आपको कि ये हम लोग इंडिया में इतने डेवलप कर चुके हैं कि ये इंडिया में भी बना सकते हैं। ये मेड इन चाइना सही नहीं है, लेकिन अपनी मजबूरी है कि जो प्राइस रेंज अपने को चाहिए इसमें ये लेना पड़ा है। फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये साथ में माउंटिंग के लिए है। ये सब मैं यूजर मैनुअल देख के आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे इसको करेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये बेल्ट है, आई थिंक ये बेल्ट का यूज चेस्ट पे हैंग करने के लिए होगा या फिर कैमरा को हैंड में यूज़ करने के लिए, ये देखेंगे। ये भी माउंटिंग का ही है, कैमरा को कैसे माउंट करना है उसके लिए। ये डाटा केबल दिया है लैपटॉप से डेस्कटॉप से जोड़ने के लिए। अगर इसमें नहीं भी देता तो बाहर से भी आप लेके यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी माउंटिंग के लिए ही है। आई थिंक ये जो दिया है हैंडल बाइक के हैंडल में फिट करने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली में कैसे फिट होगा क्या होगा मैं आपको थोड़ी देर में यूजर मैनुअल देख के सब समझाऊंगा। साथ में ये वायर दिया है, एक्चुअली इसका क्या काम है, ये आई थिंक ये मैनुअल देख के ही मुझे समझना पड़ेगा कि इस वायर का क्या क्या काम है। और ये लॉक बैंड भी है साथ में दो पीस, देखना होगा कैसे क्या यूज करते हैं। ये छोटा सा कपड़ा दिया है ये कैमरा का लेंस वगैरह साफ करने के लिए। ये जैसा मैंने देखा था ऑर्डर करते समय, ये रिमोट कंट्रोल है, इससे हम लोग कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं फ़ोटो में वीडियो में। जब मैं यूज़ करूँगा तो दिखाऊँगा ये कैसे यूज होता है। आई थिंक इसमें भी जो अपना ये बेल्ट दिया है ये बेल्ट यूज होगा। फिर फाइनली हम लोग आते हैं ये कैमरा। ये कैमरा को बहुत ही बारीकी से बनाया है, सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको बॉक्स में फिट किया है। इनिशियली मुझे इस बॉक्स को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज ए बिगनर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा ये पहला कैमरा है तो ये ख़राब हो। लेकिन मैं मैनुअल पढ़ के इसको देखूँगा कि इसको कैसे अंदर जाके देख सकते हैं। अब बात करूँ इसके मेगापिक्सल की, तो जैसा कि मैंने ऑर्डर करते समय देखा था ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। प्राइस रेंज जो है इसका वो 10,000 बिलो है, जो सबसे ख़ास बात है किसी भी बिगनर ब्लॉगर के लिए। जैसे ये कैमरे में बहुत माइन्यूटली लिखा है प्लीज रिमूव द स्क्रीन प्रोटेक्शन बिफोर यूज, तो ये जो है स्क्रीन प्रोटेक्शन आई थिंक ये लेंस के ऊपर लगाया गया है। ये सब हम बाद में रिमूव करेंगे, पहले ज़रूरी है इसका मैनुअल देखने का। ये आप देख रहे हैं मैनुअल। अब ये मैनुअल पढ़ के मैं
कैसे कैसे क्या इंस्टॉल होगा, कैसे हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, ये देख रहे हैं मैनुअल में पावर बटन, ये पावर बटन दिया है ऑन ऑफ करने के लिए। ये कवर का सबसे अच्छा खास बात है कि ये ऊपर से भी ऑपरेट अच्छे से हो रहा है। ये लेंस है सामने, ये मैनुअल अच्छे से पढ़ना होगा। ये फिर यूजेस कैसे हैं, ब्राइटनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, फोटो सेटिंग कैसे करेंगे, वीडियो सेटिंग कैसे करेंगे। हाँ, अभी जो मैंने ये सारे एसेसरीज जो आपको दिखाए हैं, ये देख सकते हैं, जो सारे एसेसरीज हैं ये सारे एसेसरीज का डिस्क्रिप्शन इस मैनुअल में दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लास्ट मैनुअल है, कैसन C10 एक्शन कैमरा 4K 24 मेगापिक्सल में, ये लास्ट मैनुअल बॉक्स से निकला है। क्या क्या मीडिया प्लेयर, ये सब कुछ मुझे पढ़ना पड़ेगा, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे कैमरा से लैपटॉप में, कैसे एडिट करेंगे, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद करूँगा। सो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, कैमरा का कैसा है ये कमेंट करें, कोई अपनी व्यू देना चाहते हैं वो कमेंट करें। बाकी नेक्स्ट व्लॉगिंग में मैं जब इस कैमरा को यूज करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विथ अरविंद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय बिहार।